नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। इमरान खान हाल ही में सऊदी दौरा पर गए थे, ये तो आपको अब याद ही होगा। आपको ये भी याद होगा कि ये कितना ऐतिहासिक दौरा था कि इमरान खान सऊदी से चावल की बोरियां रहम में लेकर आए थे, जिसके बाद उनका खूब मजाक भी उड़ा था और उनके खूब आलोचना भी हुई थी। लेकिन अब जो खबर आई है वो उससे भी ज्यादा भयानक खबर है कि उनके दौरे के ठीक बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही यह झटका चीन को भी है। जब आप पूरी खबर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान और चीन दोनों को ही सऊदी भरोसे के लायक नहीं मानता। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुके पाकिस्तानी नागरिकों को जो उम्मीद थी कि वो वहां जाकर वो चंद पैसे कमाएंगे, उसको उन उम्मीदों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने तगड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने नया फरमान जारी किया है और सुनिए ये फरमान क्या है पाकिस्तान को लेकर, जिससे इमरान खान सरकार की मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को जो है किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीनी वैक्सीन लगवाई है। जी हाँ, एक तीर से दो निशान, एक तो वो पाकिस्तानी जिन्होंने चीनी वैक्सीन लगाई है, ऊपर से चीन को ये संदेश कि उसके वैक्सीन पर उसे भरोसा नहीं है, उसको वो वीजा नहीं देगा। इसकी जो वजह है वो ये है कि सऊदी रेगुलेटर ने जो है चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि इसकी क्षमता पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ये वैक्सीन सऊदी को भेजी थी, लेकिन ये वैक्सीन किसी काम की नहीं, सऊदी भी ये जानता है। सऊदी अरब सरकार ने अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूव किया है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनिका जिसे भारत में हम कोविशील्ड कह रहे हैं, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जो वहां लोगों को लगवाई जा रही है। यानी कि 4 तरह की वैक्सीन वहां के जनता को दी जा रही है। इसमें चीन का वैक्सीन नहीं है, ये साफ तौर पर इसमें अंकित है। इसमें जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो सिंगल शॉट है, यानी इसका एक ही डोज लगता है। बाकी जो तीनों वैक्सीन है वो डबल डोज वाले वैक्सीन है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सऊदी ने एक झटके में अपना संदेश दे दिया है। चीन ने भले ही अपनी दोनों वैक्सीनों को का जो डोज है वो सऊदी अरब को भेजा, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, चीन ने और भी कई खाड़ी देशों को अपनी वैक्सीन भेजी थी, लेकिन इनमें से कई देशों की जो रेगुलेटरी है उसने उसको मंजूरी नहीं दी है। अभी हमने हाल में बताया था कि कैसे कई देशों ने जो है चीन को कहा था कि वो भैया अपना वैक्सीन जो है वो आप ले जाइए। जियो न्यूज की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि सऊदी अरब की यात्रा करने की मंजूरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने वैक्सीनेशन को पूरा किया हो, और इसमें भी एक शर्त जोड़ा गया जो कि ये कि चीन में बनी वैक्सीन लगवाने वालों को यात्रा की मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी कि वो पाकिस्तानी जिनको ये उम्मीद थी कि वो वहां जाकर पैसे कमा सकेंगे, उनको एक बड़ा झटका लगा है। इससे पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगेगा अभी हाल के वक्त में, क्योंकि बड़े मात्रा में पाकिस्तानी जो है वो सऊदी जाते हैं कमाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जो चुनौती है वो ये कि उसको दान में मिली जो चीनी वैक्सीन है वही वो अपने लोगों को लगवा रहा है। हालांकि उसने रूस की जो स्पुतनिक है उसको ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी तक एक भी खेप नहीं पहुंचा है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो भारत या किसी दूसरे देश से वैक्सीन खरीदे। ऐसे में पाकिस्तान जो है अपनी आर्थिक चुनौतियों के कारण बुरी तरीके से फंस गया है। वो वैक्सीन खरीद नहीं सकता है, और उसने जो वैक्सीन लगवाई है, चीनी वैक्सीन लगवाई है, उसके कारण सऊदी में उसके लोगों को अब एंट्री नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा, जिससे उसको और उसके लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि एक ही तरीके से सऊदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान और फिर दूसरे जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट तरीका, उससे उसने चीन पर भी निशाना साधा है और एक ही बार में दोनों को झटका देने का काम किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।